अस्सलामुअलैकुम क्लास वन टू, मैं राबिया आपकी उर्दू की टीचर। और बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम काम करेंगे वो है जुमले बनाइए। इससे पहले हमने लफ्ज़ बनाना सीखे हैं और आज हम मुकम्मल जुमले बनाना सीखेंगे। तो आज हमने कौन से जुमले बनाने हैं? आज हमने जुमले बनाने हैं इन तस्वीर के जो यहाँ बोर्ड पर बनी हुई हैं। तो पहली तस्वीर कौन सी है? सेब की। ये जूता, ये ताला, ये आम, ये तारा, ये चूसा। ठीक है बच्चों, इन तस्वीर को देखकर इनके मुकम्मल जुमले बनाने हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सेब। ठीक है, ये सेब, आपने इसका नाम बताया। और जब मैं कहूंगी इसका मुकम्मल जुमला बनाइए, तो आप क्या कहेंगे? ये सेब है। मैं कहूंगी ये क्या है, तो इसका आप मुकम्मल जुमला बताएंगे, ये जूता है। फिर उसके बाद है ताला, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये ताला है। फिर मैं कहूंगी ये क्या है, तो आप मुकम्मल जुमला बताएंगे, ये आम है। ये क्या है, इसका मुकम्मल जुमला होगा, ये तारा है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे मुकम्मल जुमला, ये चूजा है। ठीक है, तो आज जो जुमले बनेंगे वो ये और हे का इस्तेमाल करके बनेंगे। और ये और हे कौन से अल्फाज हैं? ये तस्वीरी याददाश्त के अल्फाज हैं जो हमें किताब के तकरीबन हर सफ़े पर मिलते हैं और ये हमने पढ़ना सीखे हैं और आज हम इनको लिखेंगे भी। तो शुरू करते हैं। ये क्या है? ये सेब है। ये कैसे लिखेंगे? पहले लिखी आपकी शक्ल और फिर ये पे जो है आपके लाइन को टच करेगी, इसके नीचे दो नुक्ते, ये, फिर सेब लिखेंगे। अच्छा, जब हम सेब लिखेंगे तो हम वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे, एक उंगली का फासला लेंगे। चूंकि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो मेरा फासला थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब आप अपनी किताब या कॉपी पे लिखेंगे तो वन फिंगर यानी एक उंगली का लिखेंगे, फासला लेंगे। ठीक है, सेब, सेब कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सीन की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, फिर बे, ये के नीचे ये के नुक्ते और बे के नीचे बे के नुक्ते, ये सेब है। अब जब है लिखेंगे तो हम तब भी वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ तो थोड़ा मेरा डिस्टेंस ज़्यादा है। आप कॉपी या किताब पे लिखेंगे तो वन फिंगर एक उंगली का फासला देंगे। और हे के कैसे लिखेंगे? हे की आधी शक्ल मिलेगी बड़ी ये से। ठीक है, और आखिर में हम नुक्ता लगाएंगे कि जुमला मुकम्मल हो गया। अब हम आएंगे दूसरी तस्वीर पर। ये क्या है? ये जूता है। ये हम ऊपर लिख चुके हैं, कैसे लिखेंगे? ये की आधी शक्ल, लाइन को टच करेगा और ये के दो नुक्ते, ये जूता में जीम की आधी शक्ल लाइन से ऊपर, वाव लाइन को टच करेगा, जीम के नीचे जीम का नुक्ता, फिर ते अलेफ ता। ठीक है, जूता। अब है लिखेंगे तो फिर वन फिंगर डिस्टेंस, एक उंगली का फासला और फिर और उसके बाद नुक्ता कि हमारा जुमला मुकम्मल हो गया, ये जूता है। तीसरी तस्वीर है हमारे पास ताला, और ताला का मुकम्मल जुमला बनेगा, ये ताला है। सबसे पहले लिखेंगे ये, फिर लिखेंगे ताला। बच्चों को इन अल्फाज के हिज्जे आते हैं तो इसलिए बच्चे को हिज्जे करके लिखेंगे। फिर वन फिंगर डिस्टेंस, एक उंगली का फासला और फिर है। अब हमारे पास है कौन सी तस्वीर? आम। और आम का मुकम्मल जुमला क्या होगा? ये आम है और आखिर में नुक्ता। आज हमारे पास तस्वीर है तारा। तारा कैसे लिखेंगे? पहले ये इसका जुमला, ये तारा है। ठीक है, पहले लिखेंगे ये, फिर वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे, फिर तारा। तारा के भी बच्चों को हिज्जे आते हैं, हमने क्लास में किए हैं। फिर वन फिंगर डिस्टेंस है, फिर नुक्ता।
फिर आखिरी तस्वीर कौन सी है? चूजा। और इसका मुकम्मल जुमला क्या होगा? ये चूजा है। पहले लिखेंगे हम ये, फिर वन फिंगर डिस्टेंस, चूजा, जे के आगे शिखर लाइन ऊपर वॉल लाइन को टच करेगा, जे, फिर है चूजा, फिर वन फिंगर डिस्टेंस, फिर उसके बाद है, ठीक है, फिर नकटा, ये चूजा है। ठीक है बच्चों, आज हमने जुमले बनाए हैं, दोबारा से इन जुमलों को पढ़ते हैं। ये सेब है, ये जूता है, ये ताला है, ये आम है, ये तारा है, ये चूजा है। ठीक है बच्चों, ये जुमले जो आज हमने बनाए हैं ये और हे का इस्तेमाल करके बनाए हैं। और लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है कि जब भी हम एक लफ्ज लिखते हैं, जब भी हम जुमला लिखते हैं तो एक लफ्ज के बाद हमने वन फिंगर डिस्टेंस देना है। मिस ने क्योंकि बोर्ड पे काम किया है तो उनका डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन आप जब कॉपी पे करेंगे तो जस्ट वन फिंगर रख के आपने इनके दरमियान फासला देना है, डिस्टेंस देना है। ठीक है, ये काम है आपका मेरी उर्दू की किताब सफा नंबर 62 में। और किताब में आप काम करेंगे यहाँ, ठीक है, सफा नंबर 62, ये तस्वीर बनी है, इनके सामने आपको यहाँ जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये और हे का इस्तेमाल करके काम साफ सुथरा कीजिएगा, लाइन का ख्याल करके कीजिएगा और अच्छे से पढ़ के कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।